आज हो चुका है एक कांड बहुत बड़ा। वो भी बुरा लगा, मम्मी को बता दिया, अभी पापा को भी बताना बाकी है, फिर दीदी को भी बताऊंगी धीरे धीरे। तो थोड़ा लग तो रहा है बुरा, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। दुख है गाइस, अब क्या कहीं तो छलकेगा। सो हेलो सोनियो, गुड्डी वाला मॉर्निंग सभी को, और की हाल चाल सभी के। तो आज है इतवार, और इतवार के दिन घर में बैठना काफी अशुभ माना जाता है, इसलिए जाएंगे अपा बाहर आवारागर्दी करने। फिलहाल के लिए पेट में हो रही है गुड़ गुड़ क्योंकि उठ गए सुबह सुबह और लग रही है बहुत तेज की भूख। अब समझ में नहीं आ रहा खाए तो क्या खाए, अपा गोभी और आलू की सब्जी खाए कि आलू के पराठे खाएं दही के साथ। तो जल्दी बताओ नीचे कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। कई लोग कहेंगे कि गोभी खा सकते हैं, लेकिन आप पर रविवार को गू नहीं खाया करते, ठीक है? तो देखते हैं। कितनी गंदी लग रही, कैसा लग रहा है? आज हो चुका है एक कांड बहुत बड़ा। आज मेरे साथ इतना ज्यादा वो हो गया ना, गलत हो गया, मैं क्या बताऊँ तुम्हें ना। उसके बावजूद भी देखो मैं कितनी हंस रही हूँ, खेल रही हूँ, कूद रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है दिमाग में टेंशन रख के कुछ काम होने वाला है नहीं बिल्कुल भी, है ना। अभी यार बाकी ब्लॉग बैठ के बनाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा मूड ऑफ है मेरे से। बाद में बताऊँगी, अगर मन हुआ तो बताऊँगी कि किस वजह से हुआ, मन नहीं हुआ तो नहीं बताऊँगी, सॉरी। मम्मी को भी बुरा लगा, मम्मी को बता दिया, अभी पापा को भी बताना बाकी है, फिर दीदी को भी बताऊँगी धीरे धीरे। तो थोड़ा लग तो रहा है बुरा, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, दूसरी भी आ जाएगी, मेहनत करेंगे तो दूसरी भी आ जाएगी। आ जाएगी ना, ठीक है। चलो सब तक कुछ खाते पीते हैं। बता क्यों रही है तुम लोगों को, मैं क्या ही बताऊं कि मेरे साथ क्या हो गया। बता नहीं क्या हुआ, बस बता, पता चल जाएगा। काम किया है ना, सच बता रही हूँ मैं, मेरे को दो जने बैठ के सिखा रहे हैं कि ऐसे गाली नहीं देना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए, बट अच्छा तो नहीं होगा। बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए मतलब, पर वो चीज़ अच्छा तो नहीं, ज़्यादा मजबूर हो जाएगा। बोलते ना ख़त्म करो, किसी की मेहनत की चीज़ थी। गंदी लेने की तो अब क्या ही करें। वॉशरूम में गई, हैंड वॉश किया, हैंड वॉश करते वक्त मेरी गोल्ड की रिंग मैंने उसको निकाली, देन फिर सोप लगाया, उसके बाद हाथ हाथ धोया। मुझे पता नहीं चला कि कौन उठा के ले गया, क्या उठा के ले गया, मुझे बाद में पता चला कि मैं रियलाइज हुआ कि मेरी गोल्ड की रिंग नहीं है मेरे हाथ में। अब जो लेके चला गया वो लेके चला गया, मेरी नसीब तो लेके जाएगा नहीं, बट मुँह तोड़ दूंगी जिसने मेरी रिंग लेके गया। कोई बात नहीं, इट्स ओके, रिंग लेके गए हैं कोई बात नहीं, मेरी किस्मत तोड़ना। मेरी गर्दन भी काली लग रही है, नहीं आज मेरी गोल्ड खो गया ना, तो मेरा सब कुछ अजीब दिख रहा है। कोई बात नहीं, दुख है गाइस, अब क्या कहीं तो छलकेगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, अगली बार डायमंड की होगी मेरे हाथ में, इट्स ओके। कोई भी इंसान चोरी कर मतलब ये सब ले सकता है, लेकिन किस्मत उसके बाद बाकी मन से गाइस गाली निकल रही है उस इंसान के लिए। होनी चाहिए, भरोसा नहीं होगा लाइफ में तो क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा बिल्कुल। क्या भरोसा नहीं तुम्हारी रिलेशनशिप करना बता। Next day. हमें इसको भी बुला लिया क्योंकि तुम ना रहे। बुआ को मैं दिलाना, तुम्हारा नहीं पता। नहीं नहीं मैं दे दूँ। चक्कर आ रहे हैं। Oh my God, पिता, उन्हें पैसे देगा। इधर देखो।
तो एक प्लेट हमें भी खिला देंगे। हाँ भैया, पहले जो 20 के 2 प्लेट हुए ना, उसका अलग खा लो। तो देखो इधर, तो देखो ब्लॉग में, तो देखो। ये बंदा हमेशा हर ब्लॉग में ना मेरे को गोलगप्पे खाता भी दिखता है। गाइस गर्मी बहुत हो रखी है, प्लीज घर से बाहर ना निकले। गाइस देखो ये दोबारा से मीठी पापड़ी मांगी। मैंने भी कभी नहीं खाया गोलगप्पे, हमने खा लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस मी, ये मेरा भाई, वो मम्मी और वो गीता। मेरे भाई साहब गोलगप्पे और ये भाई साहब गोलगप्पे वाले। मम्मी को सही, मम्मी दिखाओ, मम्मी को दिखाओ, मम्मी सही से तो दिख गई। मम्मी हेलो भी बोलना होता है। हेलो गाइस, शर्म आ गई मेरे को। चलो फिर अब जा रहे हैं हम लोग। तू क्या खिला रहा है क्या खाओगे बताओ, क्या खाओगे? धूल मिट्टी। तो बदतम ही जाना इसलिए। हम लोग जा रहे हैं अभी गीता के घर, मतलब मोनू के घर, मतलब मामा के घर और मामी के घर भी। ठीक है, हाँ मेरा नाम तो लिया क्या सबसे पहले? सबसे पहले तेरा ही नाम लिया मैंने। कितनी अच्छी दीदी मेरी, है ना? तो हम वहाँ जा रहे हैं। जा क्यों रहे हैं? जा नहीं सकते क्या? ये क्या बात हुई? अद्दै जा क्यों रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं वो क्या बताएं कि क्यों जा रहे हैं? अपने भाई के घर बहन क्या करने जाती है, मिलने जाती है। अब इसमें भी ऑब्जेक्शन है कि भाई अपने बहन भाई के घर ना जाए। खुद ही सवाल करो, खुद ही, हाँ ये रहा, खुद ही सवाल करो, खुद ही सवाल के जवाब दो। ठीक है, बाकी देखो धूप तो हो रखी है बहुत, दिल्ली में हो रखा है 44 डिग्री सेल्सियस। क्या ही कहें, जब किसी के साथ कुछ गलत होना होता है ना तो हो ही जाता है। लेकिन बस ये सोचा करो कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है ना, ये सोचा करो कि आगे कुछ अच्छा होने के लिए तुम्हारे साथ वो गलत हो रहा है। तो बस मैं यही सोच सोच के अपने दिल को तसल्ली देती हूँ। यार क्या पता कुछ बड़ा होने से छोटा ही हो जाए। सही बात है, ठीक है, जो भी है किस्मत में हुआ तो सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक होएगा। बाकी धूप बहुत हो रही है, धूप की हाँ क्या बोल रहे ना, और कुछ नहीं। चॉकलेट छोड़ दिए वो दीदी, पैन केक मैं पसंद ही नहीं करती, किसी ने चौक बार छोड़ दिया। आई डोंट नो कौन है भाई, तो वो कितनी अच्छी थी ना। गाइस धूप लग रही है, गाइस ओ माय गॉड, थोड़ी देर में दीदी मुल हो श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम। इसलिए कोई जज्बात नहीं है तुम्हारी, फीलिंग तुम्हारी नहीं, साडा कुत्ता टॉमी नहीं, नहीं साडा कुत्ता कुत्ता नहीं, टड्डा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये आदमी कुत्ता रहता है यार, इसको काम नहीं है, ये अभी भी यही भटक रहा है। मैगी आ रहा है तुम, हैं तुम स्वीट इतनी अच्छी, तुम्हारे मन में कुछ नहीं किसी के, ना तुम्हारे ना मेरे कोई भी। मेरे मन में सच में जेन्युइनली किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हां एक बार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कल? अरे छोड़ना, जो हुआ सो हुआ। मैं एक बात बोलूं, लेकिन एक बार जो मेरे मन से उतर गया ना गाइस, अब कौन कौन लोग उतरे पड़े हैं सब जानते हैं, तो जो जो मेरे मन से उतर गया नहीं, तेरे तो मैंने मुंह पे बोल दिया था। तो हाँ जो लोग मेरे मन से उतरे पड़े हैं वो अब उठ भी नहीं सकते। की भागा, इतनी गर्मी है, छी ओ माय गॉड, बंद कर, ले जा फोन, ले जा फोन, ले जा। हाय बेबीज, से हाय। मेरा मोनू फैमिली करता था, आखिर फाइनली उसकी फैमिली यहाँ बैठी है। हाउ ही सेट, वाओ यार, इसको किसी चीज की टेंशन नहीं है, कितना आराम से बैठा हुआ है। घर का मुखिया यही होगा। और मेरा ये हमेशा पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मेरा भाई यहीं रहता है। हाउ इनको कैसे पता चल जाता है? भाई गलत बात है ये, वेरी रॉन्ग। वो अंदर ही अंदर बोले बहुत गंदी औरत हूँ मैं, अभी चढ़ जाऊंगी तेरे ऊपर। ओह माय गॉड, इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं ये लोग, छी इतनी गंदी गंदी बातें। अब तुमसे करती हूँ थोड़ी देर बाद में बात। वेलकम बैक टू माय चैनल, पता नहीं एक बार एक व्लॉग में कितनी बार चैनल वेलकम बैक टू होता है, समझ में नहीं आता मेरे। आ रहे ये हमारी दीदी है, प्याज कटे से बात करते हैं।
एक ब्लॉगर से प्याज कटवा रही है, हाउ शेमफुल। तेरे को रोना आ गया ना प्याज काटते वक्त, सच बताइए। और इतने गंदे प्याज काटे इसमें। एक चीज तो है दुनिया में ना, लोगों के अंदर एक दया नहीं है। मतलब लोग ना दूसरों के साथ गलत करते हैं, उन्हें इतना समझ में नहीं आता कि कल को हम भी उस रास्ते में आके खड़े हो। क्या गलत करा हमने तुम्हारे साथ? मैं क्या गलत करा हमने तुम्हारे साथ? मैं अरे यार मैं एक बात बोल रही हूँ, मेरे अंदर एक थॉट आया, थॉट आया तभी मैंने बोला ये चीज। ठीक है, ऐड कर रहे हैं हम सॉल्ट, नमक। जिंदगी में नमक होना चाहिए खाने के साथ, अगर जिंदगी में नमक नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा। तूने मम्मी रोटी बनानी है, कुछ ना रोटी बन जाने जाना, ये बाना तेरा नाम कर दिया, तेरा नाम। भाई कैसा लगा नया? कुछ चीजें ऐसी नहीं होती है कि जिंदगी में नहीं रहती है, कुछ लोग उसे जानबूझ के पुराना बना देते हैं, और शायद मोहब्बत ऐसी चीज है जो नई की नहीं रहनी चाहिए, और मुश्किल में कुछ ऐसी होनी चाहिए जो पुरानी की पुरानी रहनी चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? दिल को कभी दुख नहीं होना चाहिए, कभी आंसू नहीं आनी चाहिए, एक साथ होना चाहिए जो दुख को समझना चाहिए। मेरी बातों को जरा समझो, मोहब्बत को भी समझो, मैं जीता किसके लिए हूँ मरता किस लिए, इस बात को भी समझो। इसकी माँ का भोला चेहरा तो इतना रोया था, लोगों ने तारा समझ लिया, तेरी गली के इतने चक्कर लगाए, लोगों ने आवारा समझ लिया। ओह माय गॉड, अब बस जिंदगी है, अब जिंदगी नहीं मौत है। एक आखिरी बार तुम्हें देख लूं, तुम्हारी नजर को मैंने अपना सारा समझ लिया। तुम्हारी देख लूं क्या बोल निकल गया, जिंदगी में एक बार तुम्हारी देख लूं। तू साला पागल हो गया क्या? अरे राम क्या सारी जीप सारी मारी थी तो, कह रहा तुम्हारी एक बार देख लूं। अरे यार मेरे कान, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ओ माय गॉड, कान साफ करने पड़ेंगे। छी छी, इसको नशा मोहब्बत का जहर तो मैंने पहले भी पिया था, अब मरने में ज्यादा मजा आएगा। ऐसा लग रहा मुँह में गुटका भर रखा है। अरे सुनो तो इधर आओ, आज का सुना है तुम बहुत प्यार वार करके घूम रहे हो, भाई क्या चक्कर है? ऐसा लग रहा पापा तम्बाकू यहाँ रखते ना, तो दिख मेरे रहा है। तुमको इतना हंस रहा है मुँह का, सच में लग रहा है तम्बाकू का रखा। सुनो मेरी बात सुना करो, तुम प्यार कर कुट्टी दी जा भाई, क्या प्यार तेरा भाई इतने प्यार में पड़ा हुआ है ना। नाम बताओ। नाम नहीं बताएंगे, नाम रिवील नहीं करेंगे। नेहा नाम बस, अब हर व्लॉग में मैं दिखा के पैसे लगते हैं भाई। मैं हर दे देंगे ₹10 इतने भी नहीं यार दीदी, बेइज्जती मत करो, भाभी हमारी होने वाली। इसने हमारे वालों को क्या पैसा दिया, मुंह दिखाएगा? हमारा दहेज दिया ना, दहेज दहेज देंगे ना ये तो। दहेज देगा ये? दहेज नहीं देगा ये, कहेगा दहेज देगा, मेरी शादी में दे दिया, अब तुम्हारी शादी की बात है। आज मेरी मामी के साथ एक गलत हो गया, उनका उनके हाथ में लग गई। वो कह रही यार कि यार इन लोगों को मतलब ही नहीं है। माँ का तुम खा रहे हो, मोमोज खाओ, बॉडी बनाओ। आज ये मोनू को नला के रहेंगे, अगर इसमें गैस गैस बना रहे हैं खोलने के लिए, जैसे वो खोले वैसे उसके ऊपर गैस गिरे। इसमें तो गैस नहीं बन रही थी, दूसरी लेकर आए 20 रुपये वाली स्प्राइट। अब इसको हिला रहे हैं अच्छे से, शेक कर रहे हैं, मतलब हिलाना क्या होता है, शेक कर रहे हैं। जैसे ही ये खोलेगा ना इसके मुँह पर गिरेगा, सुबह से नहाया नहीं है ये बंदा,
उसको नहलाना है। और अगर इसके और अगर इसके बाद भी ये बंदा नहाया नहीं ना, नहाया नहीं, तो फिर समझ आना ये चीप है। दूसरी इसलिए लेकर आई हूँ पागल मैं, बेवकूफ मेरा भाई। अब थोड़ी रुक जा। यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ नहीं है घर पे दिया नहीं है। यार ये क्या हो गया, इसने 20 रुपए वेस्ट कर दिए, खुद हो गया हमारा। हाँ 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 रख दे, वहीं पर खड़ा कर दे, छोड़ो यार मूड खराब हो गया। बाल बिल्कुल भी गर्मी में खोलने का मन नहीं करता, जनरल बोलू बिल्कुल भी मेरा बाल खोलने का मन नहीं करता भाई। पर मैं लड़कियों को देखती हूँ ना, बाल खुले बाल से वो घूमती हैं भाई। हैट्स ऑफ टू दैट ऑल गर्ल्स जो अपने बाल खुले करके बाहर धूप में घूम रही होती है, बहुत हिम्मत है भाई। मैं तो बाल खुले कर ही नहीं सकती हूँ, तो यहाँ से स्वेटिंग होगी, यहाँ से स्वेटिंग होते होते पता नहीं कहाँ तक जाएगी, वो मुझे भी नहीं पता। बाकी हम घर वापस आ चुके हैं, खाना वाना एकदम खा के पेट वेट फिट करके फुल करके घर वापस आ गए। अब मैं जा रही हूँ सोने, और मैं ब्लॉग भी कैसे कर रही हूँ मम्मी के फ़ोन से टॉर्च ऑन करके, फिर तुम्हारे से बात करने के लिए मैंने कैमरा खोल रखा है, बताओ आप, क्योंकि लाइट्स हो गई हैं ऑफ, बाकी सब सो गए हैं बाहर। तो अब मुझे ब्लॉग को करना पड़ेगा यहीं पर एंड। ये ब्लॉग पसंद आए तो इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी तुम लोग भी एकदम टिच रहो, बढ़िया रहो, एकदम मुस्कुराते रहो। कोई तुम्हें गलत बोले उसको नज़रअंदाज करो, तुम किसी को गलत मत बोलो, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बाकी आई लव यू टू ऑल, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। I got your number, won't you pick up the phone?